पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोटक कथा वाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम और स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ादेव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी वहां से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथा वाचन करने से अपमान होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम रुकवाने के लिए एक वकील साहब ने पिटीशन जो है दायर कर दी हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन उसमें अथोराइजेशन किसी का नहीं लिया। इसी बात को लेकर जज साहब ने उनकी पूरी वाट लगा दी और उनको काफ़ी डांटा। उसके बाद में वकील साहब बहस करने लगे जज साहब से। पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक टू टॉक प्रॉपरली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना, हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड, मैं नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट दी पिटिशनर काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने हम ना। नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको ये फाइल, पिटीशन फाइल करने के लिए। हाँ, ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदि समाज, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं, नहीं। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। दे शुड नो हाउ टू आर्ग्यू बिफोर हाई कोर्ट। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 11185। माय लॉर्ड, तीन पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन बहुत डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप P1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यही आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं। पैसा है महिलाड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पढ़, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा है। आपने वो पिटीशन पढ़ी है? जी, वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जी, वो बोल रहे हैं अलग है।
माय लॉर्ड मैं अलग है ना इन इसमें। सब, एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए, हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? माय लॉर्ड आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो हमने पिछली तारीख को पास किया, पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड कि जी देयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बीइंग द बिग देव इज द प्लेस देयर माय लॉर्ड। जी जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड, वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ नीचे क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोट कथा वाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम और स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी वहां से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथा वाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले उनके पूर्व से बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? मैं माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में, क्या विवरण है बताइए, इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। द कहां से पढ़ के पिटिशन बता रहे हैं? पिटीशन हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर दी पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। द पिटीशनर हैज है आपको, लगवाई है उनसे, इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा वहां बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी। मैंने आपसे सवाल पूछा इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, जी उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहां। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जी। ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो सटीक से प्रावधान है बात वो करके बता रहा हूँ बताइए। मैं। नहीं, यू टॉक टू टॉक प्रॉपरली। आप ये नहीं, मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है, पढ़ के मैं बता बताइए। रहा हूँ ना। हाँ, हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्ती। अरे लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल, शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, बता रहा फर्स्ट आपको, हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस माय अगेंस्ट दी लॉर्ड, पिटिशनर आर्टिकल काउंसिल फिफ्टी श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा पहले था, तो आप सुन ही नहीं रहे मैंने आप। आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए, वो सवाल ये मैं जो पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने हम ना। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, नहीं आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक सॉरी नहीं 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 सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो सॉरी अब आप दूसरा सवाल सुनिए उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सॉरी सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए, कहाँ है ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करें यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू सॉरी सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तहजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए, सर्वे ये आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदि समाज आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? लॉर्ड इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं, तुम मेरा ये भूल सॉरी जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो,
प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे, हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उदय जी। जीएस उदय कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08 हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हेमलाल ध्रुवे मैंने। कहाँ है वो ऑथराइजेशन? पेज नंबर वकालतनामा नहीं, उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को ऑथराइज किया है ये पिटीशन फाइल करने के लिए। सर इसमें जो पेज नंबर 47 है, पेज नंबर 47 जी, जी बताइए। 47, 48 और 49 हाँ पढ़िए उसको, पढ़िए प्लीज। 47, 48 में क्या लिखा है? आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैडम जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धारा सिंह मंसकोली जी की अध्यक्षता में तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित, महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हुए सहमति बैठक कार्यवाही सगाजनों के विचार मनन का निष्कर्ष लिया गया, जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244-5 सूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत। कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए दिन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई अस्तित्व थोड़ना है। जब आप ये लगा रहे हैं इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे, पढ़िएगा टाइप कॉपी में। मंशाराम मरावी अध्यक्ष, किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड, कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? कहाँ है आपके Constitution of this samudaya is also required to yes. उसी पे आ रहा था। yes, thank you. दोस्तों जो ये केस था इसके अंदर एक बात स्पष्ट थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिनको बागेश्वर बाबा कहा जाता है, उनका एक कार्यक्रम होना था एक कार्यक्रम स्थल के ऊपर जो पहले से अलॉट किया गया था, उसको लेकर वकील साहब या इनके कुछ सहयोगी जो रहे होंगे उनको कोई दिक्कत रही होगी। उन लोगों ने एक पिटीशन डाल दी हाई कोर्ट के अंदर और कहा कि कार्यक्रम अगर होता है तो इससे जो वहाँ के धार्मिक जो पहले से हैं देवता हैं जो वहाँ पर उनका जो है और उनका जो समुदाय है उससे उनको ठेस पहुंचेगी। इसी चीज़ को बेस बनाकर यहाँ पर ये जो वकील साहब हैं वो अपना जो है केस लड़ रहे थे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि जब जज साहब उनसे पूछ रहे हैं तो उलझ रहे हैं, भाई आपको बागेश्वर धाम का कार्यक्रम रुकवाना है ठीक है, आपको उस जगह के ऊपर नहीं कार्यक्रम करने देना है वो भी सही, लेकिन अपनी बात तो सही से रखिए। आप अगर जज से ही जो है जवाब लड़ाने लग जाते हैं, कहते हैं कि आप मेरी बात सुने, सुने क्या होता है, मेरी बात सुनिए सर, इस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। आप वकील हैं 2007-08 से वकालत कर रहे हैं लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप जर्नल जैसे ऐसा लगता है कि कोई रोड पे चलते हुए आदमी से बात कर रहे हैं, जज सामने आपके बैठे हुए नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हैं, मतलब इस तरीके की भाषा जो है अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये कंटेंट ऑफ कोर्ट है, आप ये कौन जो जज साहब हैं ये सही थे, अदरवाइज तो आपको इनको जेल भेज देना चाहिए था वकील साहब को। और इन्होंने जो पेपर लगाए हुए हैं जो समुदाय जो बता रहे हैं उनका ना ऑथराइजेशन लेटर है ना उनकी तरफ से कोई जो है इनको रिटर्न दिया गया है कि आप पिटीशन हमारी तरफ से दायर कर सकते हैं, फिर भी इन्होंने दायर कर दी, उसके बाद में भी जो है जज साहब सुन रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप हमें प्रूफ करिए कि किस तरीके से लोगों की जो भावनाएँ हैं वो आहत होंगी, अगर आप प्रूफ कर देंगे तो हमें कार्यक्रम रद्द कर देंगे, शायद इस तरीके से चीज़ें बात करना चाह रहे थे जज, लेकिन जज साहब इनकी बात सुनने के लिए भी तैयार हैं और कह भी रहे हैं कि आप प्रूफ करिए किस तरीके से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन ये प्रूफ ही नहीं कर पा रहे और ये भी कह रहे हैं
कि क्या आखिर भावनाएं हैं जो उनकी आहत हो रही है, लेकिन कुछ बता नहीं पा रहे हैं। 100 की सीधी सी बात है कि ये सिर्फ जो है बस्ता उठाया इन्होंने और पिटीशन दायर की और यहाँ पर चले आए, इन्होंने कोई रिसर्च की ना, इनके पास ऑथराइजेशन लेटर है और ना ही इनके पास में कोई पुख्ता सबूत है कि कौन सी जो है उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं जिस ग्रुप का जो है ये केस लड़ने के लिए आए हैं। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर वकील साहब जो है बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, और जब कोई सेलिब्रिटी फेमस हो जाता है, कोई बाबा फेमस हो जाता है, तो लोग वहाँ पर टांग अड़ाने पहुँच जाते हैं, शायद सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ कर देंगे तो हम थोड़ा फेमस हो जाएंगे, और ये वकील साहब वही जो है शायद हमें लगता है हठकंडा अपनाते हुए नजर आते। अगर आप जज साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।